जॉर्ज वोरवेल के क्वेश्चंस की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन आया है वो फर्स्ट लाइन से ही आया है। किसकी? 1984 की फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड द क्लॉक्स वर स्ट्राइकिंग 13 इज द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ये ओपनिंग सेंटेंस कहाँ का है, 1984 का है, बाई जॉर्ज ओरवेल। ठीक है, दूसरा चीज, इसका पब्लिकेशन आपको याद रखना है 1949 में। अब बाकी की तीन आपके सामने है जिसमें से आप एक पढ़ चुके हैं, यूलिसिस। ठीक है, किसकी है? यूलिसिस है, तो आंसर आपका ये है, यूलिसिस है जेम्स जॉयस की। ठीक है, पब्लिकेशन ईयर इसका है 1922, और इसी 1922 से आपको कुछ वर्क्स और भी याद रखने हैं, कौन कौन से पब्लिश हुए थे। उनमें सबसे विशेष आपको याद रखना है द वेस्ट लैंड। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कौन सा? जैकब्स रूम। ठीक, किसका है ये? ये है वर्जीनिया वुल्फ का। ठीक, और ये किसका है? टी इलियट का। टी एस कर लीजिए भाई। ठीक है, दूसरा वर्क है नोस्ट्रोमो। इन नोस्ट्रोमो का भी दो लाइन समझिए, किसका है? नोस्ट्रोमो वर्क है किसका? जोसेफ कॉनराड का। इंपॉर्टेंट वर्क है, पढ़ना है अभी, इसके बाद अगला राइटर नहीं, अगले का अगला, इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे हम लोग वा को। ठीक है, एल्विन एल्विन वा, और उनके बाद हम लोग पढ़ेंगे जोसेफ कॉनराड। तो जोसेफ कॉनराड का वर्क है, जोसेफ कॉनराड। ठीक है, पब्लिकेशन ईयर इसका है 1921, याद रखना है, इम्पोर्टेंट वर्क है। क्रोम येलो भी इम्पोर्टेंट वर्क है, 1921 पब्लिकेशन ईयर है। राइटर है कौन? बाई आल्डू हक्सले। DOUS, आल्डू हक्सले। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये चारों ऑप्शन भी हमने डिस्कस कर दिया आपके लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वेयर आई लैक्ड अ पॉलिटिकल पर्पज आई रोट लाइफलेस बुक्स। वेयर आई लैक अ पॉलिटिकल पर्पज आई रोट लाइफलेस बुक्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर कैन वी एट्रीब्यूट द अबव एडमिशन। तो ये लाइन किसने यूज की? जॉर्ज ओरवेल ने। कहां पर? इन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था व्हाई आई राइट। ठीक है, ऐसे था, ऐसे जिसका नाम है व्हाई आई राइट। ठीक है, व्हाई आई राइट, ये इनका एक एसे था। ठीक, इसी एसे में इन्होंने लिखी थी ये लाइन, वहीं से है ये लाइन। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, ग्राहम ग्रीन क्या है? एक प्लेराइट है। ठीक है, इनको आगे हम लोग पढ़ेंगे। चार्ल्स मॉर्गन, सॉरी, ग्राहम ग्रीन प्लेराइट नहीं, क्षमा करिएगा, ये एक नॉवेलिस्ट है भाई, मैं गलत था, नॉवेलिस्ट है। अभी आगे इनको हम लोगों को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट है। दूसरा चार्ल्स मॉर्गन, ये है प्लेराइट। ठीक है, उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एवलिन वा अगले राइटर हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई?
आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसी को मैं बता रहा था आप लोगों को कि जो है इनकी लाइफ से रिलेटेड कई सारे इवेंट्स को एक साथ जोड़ करके क्वेश्चन पूछा गया है, वो यही क्वेश्चन है। कह रहे कि आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें जरा ध्यान से देखिए, पहली लाइन कह रहे हैं कि एरिक आर्थर ब्लेयर बिकम अ फेमस ब्रिटिश राइटर नॉवलिस्ट एज जॉर्ज ओरवेल। तो ये बात परफेक्टली करेक्ट है, अभी हम लोगों ने बात की कि एरिक आर्थर ब्लेयर का ही नाम क्या है, जॉर्ज ओरवेल। दूसरा, ओरवेल वॉज कन्वर्जेंट इन हिंदुस्तानी एंड फॉन्ड ऑफ इंडियन फूड। ये भी परफेक्ट बात है, क्यों, इनका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ है, बिहार में। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने नौकरी कहाँ की, म्यांमार में। ठीक है, बात समझे कि नहीं, वर्मा म्यांमार, ठीक ना, वर्मा में इन्होंने नौकरी की। तो आगे कह रहे कि योर एरिक सॉरी यंग एरिक ब्लेयर लिव्ड इन म्यांमार ट्रेडिंग टाउन का था। तो कहाँ आए थे जब ये पुलिस की नौकरी, कौन सी पुलिस थी, IIP, इंडियन इंपीरियल पुलिस, इसमें भर्ती हुए थे। और इनकी जो पोस्टिंग हुई थी वो ढाका में हुई, सॉरी कथा में हुई थी, जो कि एक ट्रेडिंग टाउन है, कहाँ का, म्यांमार का। आगे बढ़ते हैं, दिस टाउन गेव हिम द मॉडल फॉर द फिक्शनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कयुकथडा इन बर्मीज डेज। तो इनका जो बर्मीज डेज है उसमें जो ये इन्होंने सेटिंग यूज की है, उसका जो प्लेस आता है वो ही बर्मा से आता है, म्यांमार से आता है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने डिस्कस नहीं की थी, इसको आप अलग से कहीं नोट कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, ओरवेल वाज बॉर्न ऑन June 25। तो डेट एग्जैक्टली हम लोग डिस्कस की, कहाँ पर, मोतिहारी बिहार में इनका बर्थ हुआ था। तो ये सारे अभी तक जितने हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबके सब सही हैं। आगे देखिएगा, तो ओरवेल कमेमोरेटिव कमेटी, ये एक कमेटी है, एक संस्था है, कहाँ पर, इन मोतिहारी, बिहार का जो मोतिहारी प्लेस है वहां की संस्था हैज बीन डिमांडिंग अ रेस्टोरेशन ऑफ ओरवेल्स बर्थ प्लेस एज अ हेरिटेज साइट। और फैक्ट ये है कि ये अपने बर्थ प्लेस पे कभी वापस नहीं आए, जहाँ के लिए लोग जो है एक हेरिटेज की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। और इसके बाद याद रखिएगा, कहाँ नहीं वापस आए, नेवर रिटर्न टू हिज बर्थ प्लेस, कभी अपने बर्थ प्लेस पर नहीं लौटे। और आखिरी बात क्या है, ब्रिटिश जर्नलिस्ट यान जैक वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर नॉलेज ऑफ ओरवेल्स अटेंडेंस रिलेटिंग टू कथा एंड मोतिहारी। मोतिहारी और कथा से रिलेटेड जो भी जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, इयान जैक, एक जो है ब्रिटिश जर्नलिस्ट है, उनके माध्यम से मिलती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट सही हैं, आपका आंसर जो है वो डी हुआ। अब आगे बढ़ जाते हैं, सारे पॉइंट्स को मैंने इसलिए डिस्कस किया कि वो सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। आगे देखिएगा, इन पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, क्या है ये, एक ऐसे है, किसने लिखा है, जॉर्ज ओरवेल ने। पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये क्या है, ये ऐसे है बाई जॉर्ज ओरवेल। चलिए, जॉर्ज ओरवेल तो लिखा हुआ है। जॉर्ज ओरवेल प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ रूल्स टू एड इन क्योरिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, वॉट इज द फाइनल रूल। ठीक है, तो इन्होंने रूल्स कितने दिए थे भैया, 6 रूल्स दिए थे। ठीक है, कितने, 6 रूल्स दिए थे, पूछ रहे हैं फाइनल रूल कौन है। फाइनल रूल ये था कि ब्रेक एनी ऑफ दीज रूल्स सूनर देन से एनीथिंग आउटराइट बारबेरियस। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ये 6 के 6 रूल्स थे क्या, ये आपके सामने है 6 के 6 रूल। पहला रूल है, नेवर यूज अ मेटाफर सिमिली और अदर फिगर ऑफ स्पीच व्हिच यू आर यूजिंग टू सीइंग इन प्रेजेंट
जो आप प्रिंट में देखते हैं वो चीजें आप स्पीकिंग लैंग्वेज में आप इस्तेमाल ना करिए, किसका? फिगर्स ऑफ स्पीच का, जस्ट लाइक मेटाफर, सिमिली एंड अदर। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना चाहिए, नेवर यूज अ लॉन्ग वर्ड्स वेयर अ शॉर्ट वर्ड विल डू। ठीक है, जहां पर शॉर्ट वर्ड से काम चल जाए वहां पर लॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा जो उन्होंने रूल दिया वो दिया कि इफ इट इज पॉसिबल टू कट अ वर्ड आउट ऑलवेज कट इट आउट, जहां पर आपको लगे कुछ वर्ड्स हटा देने चाहिए तो उसको हटा दो। चौथा रूल दिया उन्होंने, नेवर यूज द पैसिव वेयर यू कैन यूज द एक्टिव वॉइस, मीन्स जहां पर एक्टिव वॉइस लिखा जा सकता है उसको काम यूज करने से काम चल जाएगा, वहां पर पैसिव का यूज मत करिए। पांचवा रूल था, नेवर यूज अ फॉरेन फ्रेज, कभी फॉरेन फ्रेज को, साइंटिफिक वर्ड्स को और जॉर्गन्स को यूज नहीं करना चाहिए, इफ यू कैन थिंक ऑफ एन एवरीडे इंग्लिश इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि ये एवरीडे इंग्लिश इक्विवेलेंट वर्ड यहाँ पर मिल जाएगा तो आपको जो है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक, और आगे जरा देखें, लास्ट जो है ये है लास्ट नंबर सिक्स, ब्रेक एनी ऑफ दीज रूल्स सूनर देन से एनीथिंग आउटराइट बारबरस। ठीक है, तो ये छह रूल्स दिए, लास्ट रूल उन्होंने दिया और उसके बाद ये छह के छह आप याद रखिए, दोबारा से क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, इयर्स बिफोर विंस्टन स्मिथ, कौन है प्रोटैगनिस्ट है ऑफ जॉर्ज ओरवेल्स डिस्टोपिया 1984 गॉट एन एविडेंट ऑफ द पार्टीज डिसऑनेस्टी व्हाट इट इज। ठीक है, पार्टी की डिसऑनेस्टी का उनको एक जो है एविडेंस मिला था, वो एविडेंस क्या था? एविडेंस था अ फोटोग्राफ विच प्रूव्स दैट सम सिटीजन अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम वाज आउट ऑफ द कंट्री व्हाइल इट वाज कमिटेड। मतलब एक उनको फोटोग्राफ मिला जिससे ये बात प्रूव होती थी कि कुछ ऐसे सिटीजन्स को एक क्राइम के लिए अक्यूज किया गया था जबकि उस क्राइम के होने के समय वो सारे लोग जो है कंट्री के बाहर थे, आउट ऑफ कंट्री थे, मतलब जब थे नहीं उस समय जब वो क्राइम हुआ तो कैसे उसके अक्यूज हो सकते हैं, तो ये डिसऑनेस्टी का प्रमाण उन्हें मिला था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो वो कोई नहीं है, ये है एवलिन वॉ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एवलिन वॉ को। ठीक है, नेक्स्ट राइटर हमारे लिए है एवलिन वॉ, तो इस सेशन में हम लोग इनको नहीं करेंगे बिकॉज कि इस सेशन में हमारे पास जो समय बचा है वो केवल 7 मिनट का है और हम लोग एवलिन वॉ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेकर के। टाइम क्या हो रहा है अभी जरा सा बताते हैं हम आपको। फोर फोर्टी नाइन हो रहा है, आप लोग 5 मिनट का ब्रेक लेकर के 4:55 पर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पर ध्यान बनाए रखेंगे, मैं जैसे ही पानी पी के फ्री होता हूँ तुरंत आपको टेक्स्ट करूंगा, आप तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। ठीक